Hello students, how are you? Welcome back, this is Abhishek and today in this video we are going to know more about Delhi Sultans. In previous video what we have studied, about how Turks came to Delhi and acquired it, and basically we have got knowledge about Mahmud Ghaznavi and Muhammad Ghori. Okay, how Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in the battle of second battle of Tarain, and then in the battle of Chandor he managed to defeat Jai Chandra, the king of Chandor, and then after he returned back, gave the the charge of northern India, means the Delhi and Ajmer and Kannauj, to his one of slave, that is Qutbuddin Aibak. Okay, but today we'll get to know that what else happened after 1194. So 1194 ke baad kya hua? 1194 mein conquer hua कौन? 1194 तक दिल्ली, वन सेकेंड, तक दिल्ली, अजमेर एंड कन्नौज, ओके, ये तीन मेजर टेरिटरीज को टर्किस लोगों ने, मीन्स मोहम्मद गोरी ने, वो कर लिया, अक्वायर कर लिया, अनेक्स्ट कर लिया, और इसकी जो चार्ज है वो किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज वन ऑफ हिज स्लेव. कुतुबुद्दीन उनके एक स्लेव थे, ठीक है, और ये वापस चले गए. यहाँ तक हमने पढ़ा, अब हम ज़्यादा इसके बारे में डीप नहीं जाएंगे, ठीक है. अब हम आगे पढ़ते हैं क्या, कि दिल्ली के बारे में हमें क्या, जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में हमें कैसे पता चलती है, फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सल्तनत. व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी गॉट नॉलेज अबाउट द दिल्ली सल्तनत. सो हमारे पास क्या क्या है? वी हैव इंक्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द हिस्ट्रीज दैट वर रिटन बाय द देन हिस्टोरियंस हु वर्कड इन द दरबार ऑफ सुल्तान्स. ओके, जो सुल्तान के दरबार में काम करते थे, जो उन्होंने जो भी लिखा उनको हम काफ़ी एक रिलायबल सोर्स मानते हैं टू गेट नॉलेज अबाउट दिल्ली सल्तनत, ठीक है, गॉट इट. अब देखो ये कौन लिखते थे, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं दिल्ली के सुल्तान के बारे में हमें अधिक जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स, आर्किटेक्चर, ओके, आर्किटेक्चर इससे तो हमें बहुत जानकारी मिलती है. दे आर द सोर्स ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सुल्तान. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें और भी चीज़ों से जानकारी मिलती है, जैसे कि हिस्ट्रीज written by the historians, या फिर यू कह लो courtiers, जो लोग थे, कौन थे, हिस्ट्रीज रिटन बाई हिस्टोरियंस इन पर्शियन लैंग्वेज,
पर्सियन लैंग्वेज, ओके लैंग्वेज। हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में जानकारी इंस्क्रिप्शन कॉइंस आर्किटेक्चर के साथ साथ उन हिस्ट्रीज बुक से मिलती है जिसको उस समय वहाँ के जो दिल्ली सुल्तान में जो कोर्टियर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो लिखते थे, उनके बुक से भी हमें जानकारी मिलती है। इनको हम क्या कहते हैं, इन हिस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, तवारीख या तारीख, तारीख या तवारीख, तवारीख, ओके। तारीख सिंगुलर है, हिस्ट्री का सिंगुलर है तारीख, और तवारीख हिस्ट्री का प्लूरल है, ठीक है। ये किस लैंग्वेज में है, इसको तारीख बोलते हैं, हिस्ट्री को किस लैंग्वेज में तारीख बोलते हैं, तो हिस्ट्री को पर्शियन लैंग्वेज में तारीख बोलते हैं, ठीक है। एक और बात आप जान लो कि पर्शियन जो था, पर्शियन वॉज द लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के जो भी रूल करते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस भाषा में होता था, उसका लैंग्वेज क्या था, पर्शियन था। इसी पर्शियन लैंग्वेज में दिल्ली के जो सुल्तान थे, उनके जो भी कोर्टियर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, एडवाइजर्स थे, वो क्या करते थे, राइटिंग करते थे, और उन्हीं राइटिंग सोर्स से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। उन्हीं राइटिंग सोर्स से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जान पाते हैं। अब ये बताओ कि ये जो राइटर्स थे, ये कौन थे, कौन थे ये राइटर्स, तो ये सुल्तान के कोर्ट में बैठने वाले कोर्टियर्स हो सकते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते थे, उनके सलाहकार हो सकते थे, मतलब एडवाइजर हो सकते थे, ठीक है, और क्या हो सकते थे, सेक्रेटरीज हो सकते थे, कौन, सेक्रेटरीज। ये सब जो भी, इनका क्या काम था उनके कोर्ट में, इनका काम था इवेंट्स को रिकाउंट करना, इवेंट्स को रिकाउंट करना, मतलब जो भी इवेंट घट रही है सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, उसको क्या करना, काउंट करना, एंड देन अपने कुछ एडवाइस देना राजा को, सुल्तान को एडवाइस देना कि किस तरीके से एक जस्ट वे में आप रूल करें। जस्ट वे मतलब क्या होता है, जस्ट तरीके से रूल करना, मतलब न्यायपूर्ण शासन चलाने के लिए ये लोग एडवाइस देते थे, कौन, द कोर्टियर्स, द सेक्रेटरीज, द एडवाइजर्स, द एडमिनिस्ट्रेटर्स विद इन द सल्तनत कोर्ट, ओके। अब ये सुल्तान्स रहते कहाँ थे, सॉरी सुल्तान तो ऑफ कोर्स दिल्ली में ही रहते थे अपने पैलेस में, लेकिन ये जो पर्शियन राइटर्स थे, जो उनके कोर्टियर्स थे, ये कहाँ रहते थे, ये जो ऑथर्स थे, इनको हम क्या कहेंगे, ऑथर्स। सो ये ऑथर्स कहाँ रहते थे, दे यूज टू लिव इन सिटीज, दे रेयरली लिव इन विलेज, वो सिटीज़ में ही रहना पसंद करते थे, मतलब टाउन्स में ही रहना पसंद करते थे, बहुत ही कम ऐसे थे जो विलेज में रहना पसंद करते थे, पहली फैक्ट इनके बारे में। दूसरा फैक्ट कि ये जो तवारीख है या तारीख है, ये क्यों लिखते थे, व्हाई डू दे राइट अबाउट द इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सुल्तान के दौर में ये लोग ये लिखते क्यों थे, बस इसके होप में कि जो सुल्तान है उन्हें कुछ अच्छा गिफ्ट दे दे, रिवॉर्ड्स दे दे, तो रिवॉर्ड के लिए वो लोग ये सब चीज़ों को लिखते थे जो भी कोर्ट में हो रहा होता था, ठीक है, समझ रहे हो, बारिश आने लगी बहुत जोर से, ओके। तीसरा इनका क्या था, तीसरा ये था कि ये जो इनका जो फंक्शन था, तीसरी इनकी खास बात क्या थी, इन ऑथर्स की क्या खास बात थी, ये राजा को एडवाइस करते थे क्या करने के लिए, कि आप रूल करो ऑन द आइडियल बेसिस, किस आइडियल पे रूल करो, तो बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, इन दो चीज़ों को आप एक तरह से प्रिजर्व करके, इन प्रिंसिपल को प्रिजर्व करके ही रूल करो। अब बर्थ राइट क्या होता है, बर्थ राइट का मतलब हुआ कि जो जिस खानदान में पैदा हुआ उसको उसी के हिसाब से क्या मिलना चाहिए,
एक तरीके से लग्जरियस लाइफ मिलनी चाहिए, मतलब उसी तरीके का लाइफ मिलना चाहिए। मान लो अगर कोई क्लर्जी है, कोई प्रीस्ट है, तो उसका बेटा क्या होगा, प्रीस्ट होगा, और उसी के हिसाब से उसको जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई अगर लोहार है तो लोहार, ठीक है, कोई अगर किंग है तो किंग का बेटा किंग बनेगा। ये है बर्थ राइट प्रिंसिपल उस समय का। और जेंडर डिस्टिंक्शन क्या है, जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि जो सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होती हैं मेन एंड वुमन के बीच में, उसको हम जेंडर डिस्टिंक्शन बोलते हैं। और उस समय जेंडर डिस्टिंक्शन क्या था कि मेन आर द सुपीरियर एज कंपेयर टू वुमन, मीन्स वुमेन्स आर सबऑर्डिनेट्स टू मेन। जो औरत है वो मर्दों से क्या होंगी, उनके अंडर रहेंगी, उनसे नीची रहेंगी, इन्फीरियर रहेंगी। ठीक है, ये था जेंडर डिस्टिंक्शन। और हमने बताया बर्थ राइट, बर्थ राइट का मतलब क्या होता है, जन्म के आधार पर आपको जो अधिकार मिलता है। जैसे आप राजा के घर में पैदा हुए तो आप राजा ही बनोगे, आप सर्वेंट स्लेव के घर में पैदा हुए तो आप स्लेव बनोगे। ये था बर्थ राइट। तो इन दो चीज़ों को प्रिंसिपल बना के इसी के आधार पर रूल करना चाहिए, ये सलाह कौन देता था, यही ऑथर्स देते थे। और ये ऑथर्स कौन होते थे, ये ऑथर्स होते थे सुल्तान के कोर्ट में काम करने वाले सेक्रेटरीज हो सकते थे, उनके और क्या हो सकते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते थे, गवर्नर्स हो सकते थे, प्रीस्ट हो सकते थे। ठीक है, समझ रहे हो, ओके। अब हम आते हैं, इतनी बात समझ गए आप किसके बारे में, हम कहां से दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानते हैं, द फाइंडिंग्स अबाउट दिल्ली। ठीक है, इसी बीच आपको पता चलता है 1236 में इल्तुतमिस की जो बेटी होती है वो क्या बनती है, दिल्ली सुल्तान, मतलब दिल्ली सल्तनत की क्वीन बनती है। चलो इसके बारे में एक मैं छोटी सी आपको जानकारी दे दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या था, एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने 1194 में कन्नौज, अजमेर और दिल्ली सबको जीत के किसको दे दिया, उसका चार्ज किसको दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ दिन तक वहाँ पे चार्ज संभाला। 1206 ईस्वी में क्या होता है, इन 1206 AD एक लड़ाई करते हुए जाता है बल्तिस्तान, एक जगह है पाकिस्तान में अभी वो स्थित है, बाल्टिस्तान के कुछ वहाँ के ट्राइब्स होते हैं, उनसे लड़ाई करते वक्त, लड़ाई करके उनको बुरी तरीके से हराता है। और जब वापस लौटता है कौन, महमूद गोरी उनको हरा कर, तो उसी दौरान उसको धोखे से किसी ने उसकी जान ले ली जाती है वहाँ पे। ठीक है, अब 1206 में ये जो महमूद गोरी है इसकी मौत हो जाती है, 1206 में इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और दिल्ली का जो कार्यभार है वो किसको दे के जाता है, ये दिल्ली का कार्यभार उसने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे रखा होता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अब सोचता है कि मैं तो गुलाम हूँ, कहाँ पे, टर्की में, अगर मैं ईरान जाऊँगा तो वहाँ मैं गुलाम हूँ, लेकिन अगर मैं भारत में यहीं पे रह जाता हूँ तो मैं यहाँ पे शहंशाह बन सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उस पर जो स्लेव का ठप्पा लगा होता है ना, जैसे कि वो गुलाम है किसका, गोरी का, तो गोरी ने उसे अपने गुलामी से आजाद नहीं किया होता है, इसलिए वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सुल्तान की उपाधि नहीं हासिल कर पाता है, दिल्ली सुल्तान की उपाधि वो हासिल नहीं कर पाता है। ऑल्दो बहुत अच्छा काम करता है अपने रीजन में, 1206 से लेकर 1210 तक हम उसके पीरियड को काउंट करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड को हम कब तक काउंट करते हैं, 1206 से लेकर 1210 तक। ऑल्दो उसको दिल्ली की कमान कब मिल गई थी, जब उस पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने हराया था तभी मिल गई थी, लेकिन उस समय वो किसका गुलाम था, वो गोरी का गुलाम था, लेकिन अब वो क्या बन चुका था, अब तो गोरी की मौत हो चुकी थी और ये अब वहाँ का कह लो कि किंग बन चुका था, लेकिन फिर भी इसको गुलामी से आज़ाद नहीं किया था गोरी ने, तो ये दिल्ली का सुल्तान नहीं बन सका। तो इसने किसकी उपाधि ली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि ली किसकी, ऐबक ने उपाधि ली शिपे सलार की, सिपा
सलार, ये एक वर्ड है अरेबिक में या फिर पर्शियन में, एक वर्ड है सिपाह सलार, इसका मतलब होता है कमांडर इन चीफ। मतलब ये मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था और एक कमांडर ऑफ कमांडर इन चीफ था, तो इसने ये उपाधि ले ली सिपाह सलार की। फिर इसको लोगों ने क्या कहा, लाख बक्स, लाख बक्स, इसको लोगों ने क्या कहा, लाख बक्स, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारा दान किया, बहुत सारा दान किया, एक एक कह लो कि लिबरल रूलर था, ठीक है। ये बात थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है, इसकी मौत हो जाती है पोलो खेलते समय, घोड़े की कोई खेल होती है उसमें खेलते समय 1210 में इसकी मौत हो जाती है। और लेकिन इस समय तक क्या होता है, ये इल्तुतमिस एक इसका स्लेव होता है, इल्तुतमिस कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव होता है, याद रखना, लिख लेना, इल्तुतमिस वाज वन ऑफ द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसके मरने के बाद से इसका बेटा जो है कुछ दिन के लिए गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम होता है आराम शाह, लेकिन वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं होता है कि वो भारत जैसे दिल्ली जैसे बड़ी टेरिटरी को रूल कर सके, और वो उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। उसके बाद से बनता है दिल्ली का सुल्तान कौन, इल्तुतमिश। बहुत ही टैलेंटेड इंसान, अब इतना वक्त नहीं है कि मैं उसके बारे में कहानी बता सकूं, लेकिन कभी बताऊंगा ज़रूर आपको। इल्तुतमिश बनता है, आपके बुक में कुछ खास जिक्र भी नहीं है उसके बारे में। इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली का सुल्तान बनता है और 1236 तक दिल्ली पर रूल करता है। कितना, 1210 में सुल्तान बनता है और 1236 तक ही रूल दिल्ली, ओके। 1236 में वो क्या होता है कि एक वॉर के लिए वो एक वॉर एक्सपीडिशन के लिए वो ग्वालियर में होता है, और ग्वालियर में वो फंस जाता है, और अपने बेटों, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, राजाओं के बहुत बच्चे होते हैं, आप लोगों को तो पता ही है, तो उसके ढेर सारे बेटे जो होते हैं वो दिल्ली में रहते हैं, उनसे मदद मांगता है, लेटर लिखता है कि चलो आ जाओ मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, कोई नहीं आता है। सब सोचते हैं कि अगर हम जाएं तो मेरा जो भाई दिल्ली में रहेगा, और पता चले ये ग्वालियर में मेरे पिताजी इल्तुतमिश मारे गए और हम भी वहीं पे रह गए, तो दिल्ली की गद्दी किसकी हो जाएगी, मेरे भाई की हो जाएगी। इसी सोच में कोई भी भाई दिल्ली छोड़कर अपने पिता की हेल्प करने ग्वालियर नहीं पहुँचे, लेकिन जो बेटियाँ होती हैं वो हमेशा अपने बाप के लिए जान देने को तैयार होती हैं, और यही फ़र्ज अदा किया रजिया सुल्तान ने, और उन्होंने क्या किया, अपने पिता की मदद के लिए वो ग्वालियर पहुंची और उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनकी हेल्प की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ से पहले उन्होंने, इल्तुतमिश ने दिल्ली का जो थ्रोन होता है उसको किसको दे देते हैं, रजिया सुल्तान को, और वो यहां पे घोषित करते हैं कि दिल्ली की नई जो रूलर होगी वो कौन होगी, रजिया सुल्तान होंगी, समझ गए। ऐसे बनती हैं रजिया सुल्तान दिल्ली की क्वीन। और उस समय चूंकि फ्यूडल सिस्टम रहता है, महिलाओं को क्या माना जाता है, अभी मैंने बताया बर्थ राइट, सॉरी जेंडर डिस्टिंक्शन में महिलाओं को क्या माना जाता है, इन्फीरियर माना जाता था, तो इसलिए लोगों को पसंद नहीं था कि रजिया सुल्तान क्या बने, रजिया सुल्तान मेन को लीड करें, लोगों को लीड करें, एक औरत होके हमारी क्वीन कैसे बन सकती हैं, ये इससे लोग बहुत ऑफेंड हुए। इसमें एक मिनहाज सिराज जो है उस समय के क्रॉनिकलियर हैं, वो लिखते हैं इनके बारे में, वो आप लोग इसमें पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में लिखते हैं कि वो आखिर भगवान ने उसे बनाया है, वो वुमेन है, लेकिन उसमें वो एक्सेलेंट टैलेंट कहाँ से आया है, ठीक है, वो मेन वाला टैलेंट उसके पास कैसे आया है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमारी रूलर है। लेकिन 4 साल तक ही वो रूल कर पाती है, बाद में उनसे गद्दी को छीन लिया जाता है, ठीक है। ये समझा हमने, ये मतलब एक एक लाइन में बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज है, मैं आपको कितना स्टोरी बताऊँ, समझ गए आप रजिया सुल्तान कैसे दिल्ली की शासक बनती हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है। देखो मैं ये लिखूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, आप लोग हो सके तो लिख लेना जिन बातों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, गॉट इट। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, उसके बाद से उनका एक गुलाम जो होता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सर्किल ऑफ जस्टिस, जो आपके बुक का एक टॉपिक है, सर्किल ऑफ जस्टिस। आई थिंक आपने ये समझा होगा कि फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान किस किस तरीके से हम
उसके बारे में जान पाते हैं, दिल्ली सुल्तान के बारे में कैसे जान पाते हैं, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, हमने ये आपको बताया अभी। लेट्स स्टार्ट समथिंग एल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, जस्टिस, सर्कल ऑफ जस्टिस। तो देखो, राजा जो कोई भी किंग है वो बिना आर्मी के सर्वाइव नहीं कर सकता। नो किंग कैन सर्वाइव विदाउट आर्मी, बिना आर्मी के किंग सर्वाइव नहीं करता। और जो आर्मी होते हैं, जो आर्मी है वो उसमें जो सोल्जर्स होते हैं, दे कांट सर्वाइव विदाउट व्हाट, विदाउट सैलरीज, दे कांट सर्वाइव विदाउट सैलरीज। ओके, किंग कैनॉट सर्वाइव विदाउट आर्मी, सोल्जर्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट सैलरीज, एंड वेयर दिस सैलरीज कम फ्रॉम, आफ्टर द कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स एंड लैंड ऑनर्स। ये जो सैलरी होगा वो कौन देगा, ये कहाँ से आएगा सैलरी, जब राजा जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा अपने किसानों से, क्योंकि उस समय के प्रोड्यूसर कौन थे, उस समय कोई फैक्ट्री वगैरह थोड़ी थी, उस समय तो जो भी प्रोडक्शन होता था वो कृषि से ही, जो भी कमाई होती थी वो होती थी, तो वहाँ से जो टैक्स मिलेगा उसी टैक्स को कलेक्ट करके राजा क्या देगा, सैलरी देगा। अब ये टैक्स वो किसानों से कैसे कलेक्ट करेगा, या फिर किसान टैक्स कैसे दे पाएंगे, जब तक किसान प्रॉस्परस नहीं होंगे, हैप्पी नहीं होंगे, तब तक वो किसान क्या करेंगे, टैक्स नहीं दे पाएंगे। और किसान प्रॉस्परस और हैप्पी कब होंगे, जब राजा उनके साथ न्यायिक व्यवहार करेगा, गवर्नेंस उनके हॉनेस्टली गवर्नेंस करेगा, और काफ़ी ईमानदारी से, काफ़ी जस्टफुल तरीके से रूल करेगा, तभी जो वहाँ के किसान और पीजेंट्स हैं वो क्या हो सकेंगे, खुश हो सकेंगे, प्रॉस्परस हो सकेंगे, और वो टैक्स देंगे। टैक्स देंगे तो किसान उस टैक्स को सैलरी में यूज किया जाएगा, किसके लिए, आर्मी के लिए, और वो आर्मी अल्टीमेटली एक किंग को प्रोटेक्शन देगी। तो हम ऐसे जस्टिस ऑफ सर्किल शुरुआत करेंगे किंग से, और यही किंग किसके वजह से चलता है, तो आर्मी के वजह से। आर्मी में क्या होते हैं, सोल्जर्स को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। सैलरी कैसे मिलेगी, जो टैक्स देंगे पीजेंट्स जो टैक्स देंगे उनसे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो क्या होगा, आर्मी चलेगी, आर्मी इसकी मदद करेगी। अब ये पीजेंट्स कब टैक्स दे पाएंगे, जब ये हैप्पी होंगे, हैप्पी एंड प्रॉस्परस होंगे, ठीक है, हैप्पी एंड प्रॉस्परस होंगे, इनको सैलरी चाहिए, और किंग को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये है जस्टिस सर्किल। किंग आर्मी के बिना नहीं चल सकता, आर्मी सैलरी के बिना नहीं सकती। सैलरी आएगी कहाँ से, पीजेंट से टैक्स वगैरह लेकर। पीजेंट टैक्स तभी भर पाएगा जब वो अमीर हो और वो खुश हो, तो और वो खुश कब रह सकता है, जब किंग उसके साथ जस्ट रूल, जस्टिस करेगा, ठीक है। तो जब किंग अच्छा काम करेंगे तो देश में क्या होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और उसके बाद से जो किंग होगा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये था सर्किल ऑफ जस्टिस, ये था सर्किल ऑफ जस्टिस। बर्थ राइट आपने समझ लिया, और अब आते हैं, हाँ यहाँ पे एक चीज़ है, आप देख सकते हो, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मेकिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, प्रिपेयरिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे बनाया जाता है, तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, देखो मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने के लिए पहले आपको पेज प्रिपेयर करना पड़ता है, और पेज कैसे बनता है मैन्यूस्क्रिप्ट का, फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्रीज, वो हिमालय में पाए जाने वाले जो ट्रीज होते हैं उन्हीं के बाग को स्पेशली प्रोसेस करके उनका पेज बनाया जाता है। तो पहला स्टेप होता है पेज बनाने का, ठीक है। तो पहला पिक्चर में देख रहे हो एक इंसान पेज बना रहा है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है उसमें, रिटेन, राइटिंग करने का। तो एक इंसान राइटिंग कर रहा है, तीसरा बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसमें जो चीज़ हाईलाइट करने वाली चीज़ें हैं, जो हाईलाइट कर सकते हो, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करने के लिए तीसरा आदमी क्या कर रहा है, तीसरा प्रोसेस देखो क्या हो रहा है, एक इंसान गोल्ड को मेल्ट कर रहा है, चूँकि वो इम्पॉर्टेंट लाइन्स को क्या करेगा, उससे हाईलाइट किया जाएगा। और चौथा काम क्या है, बाइंडिंग, चौथा काम क्या है, बाइंडिंग। इस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जो बुक होती हैं वो तैयार हो गई।
ये है प्रोसेस, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? गॉट इट, समझ रहे हो? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर है गैरिसन, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू अम्पायर। कैसे दिल्ली सल्तनत के जो किंग थे वो एक छोटे से टाउन में रहते थे जो किला था, और उसके बाद से वो किला से बाहर कैसे अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। देखते हैं वीडियो कितना लंबा हो गया। ओके गाइज, इट्स टू मच लॉन्गर, तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आपके ग्रुप में, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, तब तक आप इसका नोट्स बना लेना जो भी मैंने आपको बोला है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करके नोट्स बना सकते हो, इट वुड बी योर होमवर्क, यही आपका होमवर्क है। मैं एक्सटर्नल क्वेश्चन आपको ग्रुप में सेंड करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। गॉट इट, हैव अ नाइस डे।